ऐतिहासिक धरती पर एक आह्वान आपसे कर रहा हूं। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, दिया जला रखना। नौजवानों, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष बैठे हैं, और ये लाल टोपी लगाए देश के क्रांतिकारी नौजवान और ये हुजूम इस बात का गवाह ही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में साइकिल लखनऊ से पहले कहीं रुकने नहीं जा रही है। ये विश्वास दिलाता हूं, एक अपील कर रहा हूं, अंधेरी रात है, दिया जला रखना। अंधेरी रात है, दिया जला रखना। और 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, माहौल बनाए रखना। इस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में शिक्षा से, ईमानदारी से कलम चलाने का जब नाम लिखा जाएगा तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में एक नाम होगा, वो नाम होगा माननीय मुलायम सिंह यादव के बाद श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव का नाम होगा। अच्छा, तो 5 मिनट माननीय मंत्री जी और माननीय जिला अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम महासचिव जी के साथ यहां पर विराजमान है। काफी चर्चाएं लोगों के बारे में सुनने को मिलती थी, पार्टी कार्यालय पे लगातार आमने सामने हुआ, लेकिन कभी बैठ के 2-4 मिनट बातें नहीं हुई मंत्री जी। हम केवल 2 बातें आपके बीच में रख करके 5 से 10 मिनट समय लूंगा, उसके बाद मूल आधार पे जो बिरहा हम लोगों का पेशा है उससे हम लोग आ जाएंगे बिरहा गाने के लिए, बिरहा की प्रस्तुति करेंगे। एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, हाथ रख लेना दिल पर, हाथ रख लेना दिल पर, और ईमानदारी से इस बात को सोच लेना कि उत्तर प्रदेश में 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार को होने जा रहा है, और उसके पहले 5 साल उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी और शिवाकांत ओझा जी की सरकार थी, जिला अध्यक्ष जी की सरकार थी। जरा बोलना मेरे साथ जोर से, यहां कोई टाटा बिरला अदानी अंबानी के परिवार का नहीं बैठा है, हर आदमी किसान और किसान के बेटे बैठे हैं। हाथ रख लेना दिल पर, एक बार बोल देना आप जो मैं पूछ रहा हूं, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बताओ, अखिलेश यादव की सरकार में यूरिया खाद बोरे में कितने किलो मिलती थी? ये गड़बड़ी है, हम आपको समझाने में नाकाम हो जाते हैं और वो आपको बहकाने में सफल हो जाते हैं, और लाख प्रयास करने के बाद हम चुनाव हार जाते हैं। 20% लोगों ने बोला केवल, ये बोलना पड़ेगा, इंकलाब लाना पड़ेगा। बताओ, अखिलेश यादव के सरकार में यूरिया खाद बोरे में कितने किलो मिलती थी? 50 किलो। आपका किलो मिला था 45 किलो। 5 किलो कहां गई? मोदी जी के घर। कोई सड़क में खड़ा होकर पूछ रहा है, पूछना पड़ेगा आपको, जानना पड़ेगा आपको। चलो 5 किलो खाद कम कर दिए, थोड़ा वजन हल्का कर दिए, लेकिन क्या 5 किलो खनिया के दमवा कम भाई? नहीं, रेट भी कम नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं, अच्छा देखिए ये कितने बड़े झूठे हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली अगर कोई फैक्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर, तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस फैक्ट्री का जो ऑनर है, ऑनर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली फैक्ट्री का जो मालिक है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जरा आप बताओ, ये किसान सम्मान निधि के नाम पे 2000 एक बार दे के साल में 3 बार 6000 दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने दिया था, यही ना दे रहे हैं।
अच्छा यही गड़बड़ी है, आप नहीं समझ पाए। शिवाकांत जी, अखिलेश यादव जी, छविनाथ यादव जी, इन्होंने तो 3 बार 2-2 हजार दिया, हो गया 6 हजार, और ये भी हर महीना 500 दे रहे थे, तो 500 का 12 में गुणा कर दीजिए, वो कितना हो गया? वो भी हो गया 6 हजार। अंतर ये है कि ये 4-4 नोट एक बार दे रहे हैं, और हम एक एक नोट एक बार देते थे, लेकिन हम हर महीना में देते थे। ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये एडवर्टाइज है भारतीय जनता पार्टी का, इससे आपको बचना पड़ेगा। और मैं बताऊं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए गांव में नहीं जा रहा है। पश्चिम में अगर 5 मिनट गांव में चला गया तो जनता शरीर पे केवल इज्जत बचाने वाला कपड़ा छोड़ रही है, अगर 5 मिनट रुक जाए तो नंगा करके जनता गांव से बाहर भेज देगी। ये कंडीशन है। पश्चिम की लहर पूरब तक आई है और पूरब की लहर उत्तर से दक्षिण तक आई है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो लाइन अपने नेता की गीत, मैं जानता हूं आप सुबह से बैठे हैं, उसके बाद एक छोर कर यहां सुना के नंबर प्रियंका माधुरी के देगी। आजा मैं सर अभी तुहार जनता भैया हम ना बैठे के कहा, चार लोग बढ़िया लगे तुम लोग खराब लग जाए और बात हो जाए। ये समाजवादी लोग हैं और 40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा रह सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ओ भैया लोग, ईमान से जी हेलो कि प्रतापगढ़ में कंडीशन कुछ और हुआ तो उत्तर प्रदेश के हर जिला में कंडीशन कुछ और हुई। हर जगह से एक गो आवाज आवाता जानते रखा, अरे तेज हुआ लगता गणेश जी सबका की सरकार। चाहते हैं अपना खेती बचाना, इतना ही नहीं, इन बीजेपी वालों से अगर अपनी बहन और बेटी बचाना अगर आप चाहते हैं, तब अगले लाइन पे मेरा समर्थन ईमानदारी से, मेरे लिए नहीं, मेरे आराध्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए अगली लाइन पे दोनों हाथ उठा के ताली चाहूंगा। तेज हुआ रफ्तार बनेगी सत्ता की सरकार, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये टीम, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये टीम। 22 में साइकिल लिए भैया, 22 में साइकिल लिए भैया, 22 में साइकिल। आज जन्माष्टमी है, हमारे नेता ने कहा कि जुर्म के खिलाफ भी गाना होना चाहिए सोलंकी। जिला पंचायत के चुनाव में मंत्री जी सबसे ज्यादा जिला पंचायत मेंबर और सबसे ज्यादा बीडीसी के सदस्यों को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया था, और जिताने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टेंडर दे दिया डीएम को और कप्तान को, कहा कि अध्यक्ष का चुनाव होगा, अपक्ष के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनना चाहिए, नहीं बनाओगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, निलंबित हो जाओगे, बर्खास्त हो जाओगे। सरेआम लखीमपुर के अंदर एक बहन एक बेटी की आबरू सारी खींच के नंगा किया गया, बाबा जी कहीं संवेदनशील नहीं है इस मामले पर। जीते हमारे सबसे ज्यादा मेंबर और जबरदस्ती इन्होंने अध्यक्ष बनाया, कहा हमारे नेता ने कि जहां जहां पर्चा दाखिला हो गया था भले ही हम चुनाव हार गए, सरकार बनने जा रही है और कितने दिन के लिए अध्यक्ष बनाए हो, जिस दिन सरकार बनेगी वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का होगा, हमारे नेता ने कहा।
गोलियां चलवाओगे, लाठियां चलवाओगे। जब जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुखी का खेल हो गया, तब हमारे नेता ने कहा सोलंकी इससे कुछ गाना होना चाहिए। हमने कहा गा रहा हूं साहब। क्या गाया? जिसे जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी जलाया, जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी जलाया, लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी। और बस एक निवेदन आपसे करूंगा, कुछ मत करिए। आज 10,000 की संख्या में आप लोग हैं मेरे अगले लाइन पर, केवल मुट्ठी बांध के और इनकलाब पैदा कर देंगे तो गारंटी दे रहा हूं कि रानीगंज विधानसभा की साइकिल लखनऊ के विधानसभा में सीधे आज ही ललकारते हुए चली जाएगी। इनकलाब ही तो पैदा करना है। आपको नहीं पता है मैं बगल के जिले का हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा डरपोक उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है, मैं जानता हूं। मेरे बगल के जिले के हैं। अगर पुलिस को हटा दीजिए तो 12 बजे दिन में कहिए खड़ा हो जाए, तो फिर जो नहीं सो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमने देखा है अपने नेता के जमाने में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में, हमने देखा है देश के सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में। और सुनिए, वो भी कहते थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बाबा जी ये फार्मूला आप पर लागू होगा, सिर्फ 6 महीना। गोली चलवा लो, गोली मरवा दो, लेकिन अगर जिंदा रह गया तो फिर समाजवादी कारमा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपके सारे पोल को खोलने का काम करेगा। यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ललकार। अब मेरे साथ इनकलाब अगर पैदा कर दोगे दादा, मैंने कहा, हमारे नेता ने कहा कि इनकलाब बनाओ, हमने गाया है क्या, जिसको जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी चलाया, लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी। और यही तो कहना है मेरे साथ, लगेगा हमारी ताकत आप हो, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जहाँ सच बोलना मना है मंत्री जी, सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता, सही बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता, सही बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन इस परिवेश में भी हमारे नेता ने कहा कि अपनी सुरक्षा बढ़ा लो। सोलंकी 50,000 के भीड़ में गाते हो कौन भाजपा ही घुस जाएगा कोई नहीं जानता। हमने कहा साहब गनर मेरे साथ एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन जहां मैं जाता हूं 10,000 की संख्या में समाजवादी नौजवान मेरा ढाल बनके और मेरा कवच बनकर के खड़ा रहते हैं। मैं कुछ हो जाए ये गम नहीं, गम ये है कि सरकार बन जाए। इनकलाब पैदा अगली लाइन में याद कर दीजिएगा, कि लेकिन 22 में भारी भारी से साइकिल चलेगी। और मेरे साथ यही तो कहना है मुट्ठी बांध कर, अरे लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, यारे जोगी तेरी जिंदा गरीबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोगी तेरी जिंदा गरीबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला पंचायत अमरपाल यादव जी 200 रुपया देकर के सम्मानित किए बाबू जी को नमस्ते प्रणाम। ये 1,000 रुपये का पुरस्कार राम कुमार यादव पूर्व प्रत्याशी मिशन 2022 रानीगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी भाई के बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सब भैया लोगों के नमस्ते प्रणाम। और समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की गायिका है विधानसभा पट्टी ज्योति यादव, राजू राज यादव दया कवि के शिष्य है। इन दोनों बहनों भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी कार्य क्षेत्र में दिन दुना रात चौगुना प्रगति करें। और
अब जनता बोल रही है क्या? रशीद भाई धनवा से ये सौ रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आप सबके, नमस्ते प्रणाम। और ये राजेश कुमार यादव ग्राम प्रधान सुजहा की धरती से 51 रुपये का पुरस्कार, 500 रुपये का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जन्माष्टमी पे एक चीज आप लोग से वादा कही चाहते हैं, आपसे वादा करावल चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा भाजपा जात का गाना गाती है, तुम्हारे पास कुछ है? तो हमने कहा साहब है, तो कहे गा के सुनाओ। हमने उसी दिन इस गीत को गा दिया, बढ़िया लगी तो आप सबको ताली चाहते। अरे है ये धारा साई है विरोधी अब की पड़े पड़े। आज जन्माष्टमी के दिन कहा था कि हरे कृष्णा हरे हरे, ये चलावल चाहत हुई वो आज ना चलावल चाहत हुई, ये भाजपा वालों से मुगल चाहत हुई, ओकरा के हमने की कहा वो लोग मत बताइए लोग, ये करा उम्मीद हो जरा विश्वास हो कि चलवे करी अगली लाइन पे कस के ताली की पूरे जिला में गूंज जा के हरे कृष्णा हरे हरे साईं चली हरे 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 कृष्णा हरे हरे अरे हरे कृष्णा हरे हरे साईं चली। और अंतिम गीत करिश्मा राज कश्यप सदस्य जिला पंचायत गौरा प्रथम से 500 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लाउड करो भैया, ऊपर वाला क्राउड जब बढ़ती है तो आवाज बढ़ाना पड़ता है। एक गीत हमने गाया था हिंदुस्तान में, तो बजा मंत्री जी हिंदुस्तान के बाहर थाईलैंड बैंकॉक मॉरीशस, और सबसे बड़ी बात तब हो गई जब नेपाल के सभी एफएम चैनल वालों ने बजाना चालू कर दिया। और जो बजाया अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम, वर्तमान डिप्टी सीएम आपके बगल का, हमारे पूरब में महाराजगंज जनपद में जाकर के कमिश्नर के पास बैठ के कहा कि इस गायक पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कमिश्नर ने आदेश भी दे दिया, पूरे पूर्वांचल के समाजवादी लोग सड़कों पे बैठ गए। मैं भगा भगा गया अपने नेता के पास, लगातार मुकदमे झेल रहा हूं। आप नेता है तो आप में किसी से दुश्मनी हो सकती है, मैं तो अखिलेश यादव का सिपाही हूं, गायक हूं, मेरे ऊपर 17-17, 18-18 फर्जी मुकदमे। मैं गया भगा अपने नेता के पास, जानकारी हो गई थी श्री अखिलेश यादव जी को, कहे क्या हुआ सोलंकी, डर गए? हंस रहे थे। हमने कहा डर किस बात का साहब, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, जब तक जिंदा हूं आपका करिंदा हूं। कहे सोलंकी घबराना मत, 1000 मुकदमा हो जाए गाते रहना, सरकार की जिंदा लेगी, एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा।